नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सात की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। सात की बड़ी बात यानी कि शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर वन बुलेटिन, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में। तो मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी सियासी हलचल की। दिल्ली में लोकसभा प्रभारी की बैठक हुई है और बैठक में आलाकमान ने निर्देश दिए हैं कि 18 से 24 जनवरी के बीच प्रभारी लोकसभा का दौरा करे। 30 जनवरी तक दौरे की रिपोर्ट भी AICC को भेजनी होगी। फरवरी तक प्रत्याशियों के नाम ऐलान करने की रणनीति है कांग्रेस की। 2 से 3 नामों का पैनल बनाया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। जरूरी जगहों पर बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा और लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर कांग्रेस दाव लगाएगी। नए प्रभावशाली नेताओं को पैनल में जगह देने के निर्देश दिए गए हैं। दुष्यंत पराशर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता। दुष्यंत, एक बड़ी बैठक दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है, ये क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहा और क्या निर्देश, क्या मंथन हुआ है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जब बैठक आउट की गई थी, उस बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं आलाकमान की ओर से। सीधे तौर पर ये बताया गया है कि 18 से 24 जनवरी के बीच लोकसभा प्रभारी जो है उनके अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा करें और 30 जनवरी तक दौरे की रिपोर्ट जो है वो AICC को भेजें। साथ ही साथ फरवरी तक लोकसभा में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान करने की रणनीति भी यहाँ पर कांग्रेस ने तय की है। इसके अलावा 2 से 3 नामों के पैनल बनाकर देने के निर्देश यहाँ पर लोकसभा प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर जहाँ जरूरी है वहां पर बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी भी कांग्रेस ने की है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में नए चेहरे पर दाव यहाँ पर कांग्रेस जो है वो लगा सकती है, नए चेहरों को यहाँ पर अपना उम्मीदवार लोकसभा में लोकसभा क्षेत्रों में कर सकती है। लोकसभा प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, प्रभावशाली नेताओं को पैनल बनाने में जगह दे, इसको नए जो प्रभावशाली नेता है, जो नए चेहरे हैं उनको यहाँ पर पैनल में शामिल करने की निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। तो ये जरूर कहा जाए कि पूरी तैयारी है और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब इन निर्देशों के बाद कितनी तैयारी को यहाँ पर जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकेगा और कितने नए नामों को यहाँ पर लोकसभा में टिकट दिया जा सकेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, एक नहीं कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है दुष्यंत। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और इस बैठक का कितना असर स्थानीय कार्यकर्ताओं पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। यहाँ झाड़ियों में मासूम का शव बरामद हुआ है। 6 महीने की मासूम का एक हाथ कटा हुआ मिला है। आवारा कुत्तों के हमला करने की आशंका है। बेहद झकझोर देने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आपको बता रहे हैं। मासूम के शव को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। संदिग्ध मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। मिनाल इलाके की दिल दहला देने वाली खबर, ये घटना हम आपको बता रहे हैं। तो ये सनसनीखेज खबर, झाड़ियों में 6 महीने के मासूम का एक हाथ कटा हुआ शव बरामद हुआ है। आवारा कुत्तों के हमले की आशंका है और मासूम के शव को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया, इसलिए मामला बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, क्या अपडेट, क्या ये पूरा मामला है, कहां तक अभी जांच पहुंची है पुलिस की? देखिए, राजधानी भोपाल का बेहद पॉश इलाका है मिनाल रेसिडेंसी। यहाँ पर एक मजदूर परिवार निर्माणाधीन मकान के पास रहता है। आज उनका अचानक 6 महीने का बच्चा था वो गायब हो गया था और थोड़ी देर बाद उसका जो शव है वो झाड़ियों में मिला। उसका एक हाथ नहीं था, उसके सिर पर गहरे दांतों के निशान थे, पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद रोते बिलखते परिवार ने बच्चे का बिना पोस्टमार्टम कराए पुलिस को सूचना दिए, उसे दफना दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस जरूर पहुंची और अब जांच कर रही है पुलिस कि क्या ये हत्या का मामला है या फिर कुत्तों के हमले में मासूम की मौत हुई और उसके बाद उसे दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद नगर निगम की टीम एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची और करीबन 20 से ज्यादा कुत्ते जो आवारा वहां पर थे उन्हें पकड़ा है। लेकिन मासूम की मौत ने कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
पढ़ाई ब्रोक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दिग्गज कांग्रेस के नेताओं के शामिल नहीं होने के फैसले पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी हमेशा से ही प्रभु श्री राम का विरोध करते रहे हैं, उनकी जुबान में मां सरस्वती ने विराजमान होकर मना करवाया है, अब पूरे काम निर्विघ्न पूरे होंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता क्या चारों शंकराचार्य के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे? ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं, फिर इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ, इसलिए बहुत अच्छा है हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? जो हमारे पीठाधीश्वर हैं उनके बारे में क्या यही विचार इनके कि उनको सरस्वती जी ने मना करवाया? किस सोच और किस मानसिकता के साथ है? ये हिंदुस्तान इनको पहले ही देख चुका है। ये राम राज्य नहीं लाना चाहते, ये रावण राज्य लेके आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं धर्म का उपयोग करके सिर्फ अपने आप को प्रचारित करने का काम करते हैं। जैसे रावण भी भगत बहुत बड़ा था पर नफरत और घृणा से भरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी भी भगत बनती है और नफरत और घृणा से भरी हुई। तो क्या राम पर दोहरी राजनीति कांग्रेस कर रही है? और आज इसी बड़े मुद्दे पर रात 8:30 का डिबेट फेस टू फेस मध्य प्रदेश आप जरूर देखिए। विजयपुर विधानसभा क्रमांक 2 में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर गोविंद सिंह, राम निवास रावत, हेमंत कटारे, लाखन सिंह यादव, विधायक बाबू जंडेल और बैजनाथ कुशवाहा के साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहां जीतू पटवारी ने राम निवास रावत को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि मैं सिर्फ नाम का प्रदेश अध्यक्ष हूं लेकिन काम के प्रदेश अध्यक्ष राम निवास रावत मेरे बड़े भाई हैं। वहीं राम मंदिर दर्शन के निमंत्रण को अस्वीकार करने को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर का कार्य जब पूर्ण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, उसके बाद कम से कम 1,00,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। 1,00,000 से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। देश के कोने कोने से सहयोग किया जा रहा है और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी 5,00,000 लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद प्रसादी केंद्र में लड्डू बनने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि बाबा महाकाल को इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और श्रद्धालु यहां आकर लड्डू प्रसादी की खरीदारी करते हैं। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा दिवस के मौके पर सूर्य नमस्कार करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे। सीएम ने युवा दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से योग करने की अपील की। स्कूल के ग्राउंड में बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों के साथ ही सीएम और तमाम मंत्रियों ने सूर्य नमस्कार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा देने वाला है। हम सौभाग्यशाली है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और आज हम सब देख रहे हैं कि भारत चांद और सूर्य तक पहुंच चुका है। आज के इस अवसर पर सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो विगत वर्षों से लगातार क्रम जारी है वो हमने सबने मिलकर किया है। शीत ऋतु और ऐसे में हमारे शरीर की साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जीवन का एक आदर्श उदाहरण देकर के उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रत्येक युवाओं के लिए, समूचे समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए दुनिया के सामने जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई।
राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी ने शुक्रवार को सत्तर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वॉशरूम में गंदगी देखकर राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी भड़क गई और सफाई कर्मी के संविदा कर्मी सुनील वर्मा को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। मंत्री प्रतिभा बागरी ने तुरंत सफाई व्यवस्था के दुरुस्त करने के निर्देश दिए, साथ ही दोबारा लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने मरीजों से बात की और उनका हाल भी जाना। पिछली बार जब मैं देखने आई थी तो उसकी अपेक्षा इस बार काफ़ी सुधार हुआ है, तो निश्चित तौर पर दो टॉयलेट्स का रेनोवेशन काम भी चालू हो गया है, तो सुधार हुआ है। अगली विजिट में देखते हैं और कितना पॉजिटिविटी आती है और क्या करने लायक है। पेशेंट का फीडबैक नेगेटिव आएगा तो उस पर सुधार किया जाएगा और मेरी मंशा है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करना, तो उसके लिए प्रयास सदा जारी रहेगा। मुरैना में फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय का भंडाफोड़ हुआ और मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जिले के गोपालपुर में एक फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित किया जा रहा था। गैर कानूनी तरीके से जमीनों और प्लॉटों की रजिस्ट्री किया जाता था। फर्जी तरीके से चल रहे रजिस्ट्रार ऑफिस को सील कर दिया गया है। मौके से भारी मात्रा में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड समेत सील बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। वही मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड लक्ष्मी नारायण फरार है। सील लगा करके फर्जी हस्ताक्षर कर देते थे और वो बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्ट्री के तौर पर उसको लोगों को बेच देते थे ताकि लोग उसका आगे जाकर के कोई मिसयूज कर सकें या क्लेम कर सकें। तो ऐसी सूचना मिली थी, उस बेस पे कार्रवाई की गई है और इसमें अभी थाना कुतवाली में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। तो ऑफिस कॉपी रहती रजिस्ट्रियों की वो वहाँ मिली, साथ ही काफी मात्रा में ऑफिस की सील मिली। इसके अलावा लगभग 40 के आसपास वहाँ रजिस्टर्ड दस्तावेज मिले और वो रजिस्ट्रियां भी पाई गई जिनके संबंध में हमारे यहाँ नामांतरण के लिए आवेदन लगे थे, वो रजिस्ट्रियां भी ओरिजिनल रजिस्ट्रियां भी इसी के यहाँ पाई गई। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ साथ रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के भी शामिल होने की आशंका है, क्योंकि आरोपियों के यहां से रजिस्ट्रार कार्यालय की एक अंगूठा चिन्ह पंजी मिली है जिसमें साल 2014 में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के नाम, पते और उनके अंगूठों के निशान है। इस रजिस्टर पर उप पंजीयक कार्यालय मुरैना लिखा हुआ है। फर्जी रजिस्ट्री करने का यह धंधा 3 साल से चल रहा था। इनके यहाँ रजिस्ट्री कराने वाले भी भू माफिया या उनके नजदीकी होते थे। सत्येंद्र सी तोमर, IBC 24, मुरैना। इंदौर के A+ ग्रेड देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं पटरी से उतरती जा रही है और आलम यह है कि DAVV में मार्कशीट ही खत्म हो गई है और रिजल्ट अनाउंस होने के बावजूद करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स को अभी तक मार्कशीट नहीं मिल पाई है। DAVV में करीब 15 दिन पहले मार्कशीट खत्म हो गई है और अब नए टेंडर जारी किए गए हैं। अनुमान है कि हालात को सामान्य होने के लिए 1 महीने तक लग सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद DAVV ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत BA, BCom, BSc प्रथम और द्वितीय वर्ष और MA, MCom, MSc दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित किए। इसके लिए DAVV ने अपने इमरजेंसी स्टॉक के लिए मार्कशीट जारी की। DAVV ने सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की करीब 70,000 अंक सूची कॉलेज में पहुंचाई। फिलहाल DAVV द्वारा स्थिति से निपटने के लिए ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट को सत्यापित किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। तकरीबन जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स थे उनमें तकरीबन 70,000 मार्कशीट थी, तो वो तो 70,000 सभी को मिल गई है। और जहाँ तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी उनको जो हमारे पास में MP ऑनलाइन की मार्कशीट थी उससे भी काम चल रहा है, कई लोगों को माइग्रेशन निकालने थे, हमने उसी को सर्टिफाई कर दिया था मार्कशीट को जो कंप्यूटर जनरेट थी। तो बाकी जो तकरीबन अभी 1 से 1.5 लाख बच्चों की जो मार्कशीट्स है उसको हम इशू करने जा रहे हैं, जल्दी मार्कशीट को इशू कर दी जाएगी। थोड़े से बड़ी खबर बता दें, लेकिन ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी तब छोड़ते हैं जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि हर जगह जनता का स्नेह और प्यार मिलता है।
कांग्रेस ने घोषणा की थी कि क्लीन स्वीप करेंगे, मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मैं पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का, जो आज पुणे पहुंचे थे छात्र संसद को संबोधित करने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है, अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा मामा छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या फिर से उन्होंने इस लाइन के जरिए कोई मैसेज देने की कवायद की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सतना में सीवर लाइन में फंसे मजदूर को आखिरकार नहीं बचाया जा सका। मिट्टी में धंसे मजदूर को 6 घंटे बाद SDRF और नगर निगम की टीम ने बाहर तो निकाल लिया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पूरे मामले में नगर निगम और सीवर लाइन बनाने वाली कंपनी की लापरवाही मानी जा रही है। घटना सतना के कोलगवा के मारुति नगर की है। शाम करीब 6 बजे मजदूर 22 फीट गहरे गड्ढे में पाइपलाइन जोड़ने का काम कर रहा था, तभी मजदूर के ऊपर मिट्टी धस गई। सूचना पर नगर निगम की रेस्क्यू टीम पहुंची। नमी ज्यादा होने की वजह से मिट्टी बार बार धस रही थी, लिहाजा रेस्क्यू में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कहा जाए, कम से कम नगर निगम को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी इसकी, उनके अधिकारियों को देखना चाहिए किस टाइप का कैसा काम हो रहा है, जबकि इंजीनियर और उसके लिए सभी नियुक्त हैं। सिविल लाइन और जितने भी काम हैं वो स्वतंत्र अपने खुद के प्रभार में सब कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण ये घटना हुई है। प्रशासन कंपनी पर एक्शन लेगा, नगर निगम से भी कहा जाएगा कि अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे वो, और बिल्कुल एक्शन लेगा प्रशासन। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच को लेकर टीम इंडिया और अफगानिस्तान की टीम इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां से दोनों टीम होटल रवाना हुई। इंडिया टीम से कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज शुभमन गिल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, कोच राहुल द्रविड़ इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके साथ ही अफगानिस्तान की पूरी टीम भी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर होटल के लिए रवाना हुई। मौके से जायजा लिया IBC24 संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। भारत और अफगानिस्तान के लिए खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया इंदौर पहुंच चुकी है। 14 तारीख को यह मैच होना है और कप्तान रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे पहली फ्रेम में। सबसे पहली फ्रेम इंदौर एयरपोर्ट की जो है वो कप्तान रोहित शर्मा की है। पहला मैच जो है वो 6 विकेट से अफगानिस्तान से भारत जीत चुकी है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दूसरा मैच होना है। अक्षर पटेल आपको नजर आ रहे होंगे, उसके साथ में जो स्टार बल्लेबाज इंडिया टीम के हैं वो सब आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो लगातार इंदौर शहर में जिस तरीके से मैच को रोमांच रहता है वो दूसरे मैच में भी ये रोमांच देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर शुभमन गिल नजर आ रहे होंगे, टीम के कोच यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, राहुल द्रविड़ आपको नजर आ रहे होंगे। राहुल द्रविड़ अभी फिलहाल बस में एंटर हो रहे हैं और सारे खिलाड़ी जो हैं वो पहुँच चुके हैं। संजू सैमसन यहाँ पर आपको नज़र में आ रहे होंगे। जिस तरीके से टीम इंडिया अपना लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आई है, उसके बाद सारे तमाम खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर बॉलिंग कोच आपको नज़र आ रहे हैं और टीम इंडिया के सारे वे खिलाड़ी वो सब इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दूसरा मैच T20 अफगानिस्तान और भारत के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 14 जनवरी को खेला जाना है, और यहां पे सारे खिलाड़ी जो हैं वो अब सीधे यहां से होटल के लिए रवाना होंगे। इसके बाद ये अफगानिस्तान की टीम आपको यहां पर नज़र आ रही होगी। अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ी, बल्लेबाज मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के जो कप्तान हैं वो यहां पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अफगानिस्तान ने अपने मैच से मेंस वर्ल्ड कप के समय पर काफ़ी लोगों को चौंकाया है। उन्होंने काफ़ी उलटफेर वाला मैच जो है वो ज़रूर यहां पर देखने को मिला है। तो यहां पर टीम इंडिया और टीम अफगानिस्तान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। 14 जनवरी को मैच इंदौर में खेला जाना है। कैमरा नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।